तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आ चुका हूँ वापस एक और निकमल की वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई अपने जो रेडमी के 50 है उसमें जो 90 FPS का प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें, और दूसरे भी एंड्रॉइड डिवाइस है तो उसमें कैसे सॉल्व करें। और भाई ये फ्री में वेजिटा क्रेडिट मिला है मेरे को, तो आपको कैसे मिल सकता है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना, और मेरा हेल्थ सही नहीं इसलिए आवाज़ थोड़ा सही नहीं आएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपको यहाँ पर देखो सर्च वाला ऑप्शन अपने आता है, उधर सर्च करना है ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेज सर्च करोगे ये आ जाएगा। अब ऐप मैनेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सर्च वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ जी लिख दोगे ना तब भी इतना आ जाएगा। तो अपना जो जोयस लिखा है उसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो क्लियर डाटा कर लेना है, और फुल स्टॉप कर लेना अगर होता है तो, देखो उतना कर लेना है आपको, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है डिसबैन का, वो आपको अपने रिस्क पे करना है। अब देखो कुछ लोगों को करिए मिलेगा नहीं, देखो कुछ लोगों को सर्च करो से मिला नहीं। तो देखो ये अपना जो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके हाइड वाला है, तो आपको ऐसा होगा तो आपको देखो अगर आपको होगा तो आपको नहीं मिलेगा, देखो ठीक है आपको नहीं मिलेगा। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि 3 डॉट पे जाके आपको देखो शो ऑल करेगा ना तभी दिखा मिलेगा आपको। तो देखो शो ऑल के तभी जाके मिलना, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि फिर से जाना है सेटिंग में, अबाउट फ़ोन में जाके MIUI वर्जन पे 7 से 8 बार क्लिक करो, और डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा। फिर आपको जाना है सर्च में, सर्च में आपको डेवलपर ऑप्शन सर्च कर लेना है। सिर्फ आप डेव लोगे तब भी आ जाएगा। देखो डेवलपर ऑप्शन में गया मैं, आपको देखो स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे नीचे जाना है। यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ आएगा ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस लिखा हुआ है, तब उसमें जाना है। फिर आपको जाना है बेटर ग्राउंड इंडिया पे, और यहाँ पे देखो सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर सेलेक्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद आपको जाना है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको आ जाना है ऐप्स में, और यहाँ पे आपको देखो गलती से मैंने ऐप में चले गए अपन लोग। आपको जाना है परमिशन में ऑटो स्टार्ट पे, और यहाँ पर देखो सिर्फ BGMI को ही रखो ऑटो स्टार्ट, दूसरी चीज़ को मत रखो। देखो भाई BGMI को सिर्फ ऑटो स्टार्ट रखो, ठीक है, बाकी सबको हटा के ही रखना है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, एकदम बाहर आ जाओ, और बाहर आके अपने को जाना है भाई। देखो अपना सिक्योरिटी में भाई ये सब करना भी थोड़ा ज़रूरी था, जिससे आपको थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिले। और आपको देखो सिक्योरिटी में एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी बात का। देखो ये पहले आपने ना बूस्ट स्पीड कर लिया आपने, अब अपन लोग क्या करते हैं देखो ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ऑप्टिमाइज में देखो यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइज किया, आपको ये बात का ध्यान रखना है, भूल मत जाना। फिर बोला कि भाई ये हो गया वो हो गया, देखो मैं ऑप्टिमाइज किया आपके सामने, तो 97% ही हुआ ना। 3% नहीं करना, 3% अगर वो ऑन करोगे ना तो अपना डेवलपर ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको भाई 97% ही रखना है, वो 3% को ऑन नहीं करना। अब देखो कि भाई स्कैन मैन सब कर लेना अभी जो होता है वो। और एक बात कि भाई बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारे जो एक्स्ट्रा रैम आता है अपने में ऑन रहता है कि ऑफ रहता है। तो देखो भाई मैं तो ऑफ ही रखता हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। देखो अब वो आपके हाथ में भाई, मैं आपको सजेशन नहीं करूँगा कि ऑन रखो या ऑफ रखो, वो आपको जैसा रखना है रखना। अब बात करते हैं कि देखो फ्री में वेजिटा क्रिएटर कैसे मिलेगा। तो देखो अपने को इधर आ जाना है, ये जो अपना चैलेंज टोकन आता है इधर देखो रिडीम ऑप्शन में आपको ये ऑरेंज कॉइन बाय करना है, और देखो ऑरेंज कॉइन बाय किया। अब देखो यहाँ पे भी कॉइन मिलता है, तो आपको उधर से भी कॉइन कलेक्ट कर लेना है। फिर आपको देखो क्रिएट में जाना है, तो यहाँ पे जो 30 UC लिखा उधर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे आप देखो आपको जो कॉइन होगा ना उससे ओपन करने का ऑप्शन आएगा, तो आपके पास जो कॉइन है उससे ओपन कर लेना भाई। देखो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई देखो मेरे को देखो आपके सामने फ्री में मेरे को खिल गया वेजिटा कैरेक्टर, तो मैं सोचा कि चलो ना जो अपने भाई सब्सक्राइबर लोग उनको मालूम नहीं तो उनको लिए भाई बता दूँ, उनको भी हेल्प हो जाए भाई। देखो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम होगी, बट जिनको नहीं मालूम उनको भाई हेल्प हो जाए, आप भी अपना लक आजमा लो भाई। मेरे को तो 4 साल में पहली बार कुछ अच्छा दिया ये लोगों ने। अब मेरे भाई देखो बात करें इसकी, तो कोई 90 FPS वापस आ गया, बट अपने एक चीज़ नोटिस की कि अब जब 90 में खेलते हो तो हीट ज़्यादा होता है भाई, 60 में कम होता है। तो सच बताऊँ तो मैं 60 में ही खेलता हूँ, जब पहले पहले स्टार्ट करता हूँ कि यार चलो भाई डिवाइस ज़्यादा हीट नहीं है तब 90 खेलता हूँ, वापस मैं 60 पे ही कर लेता हूँ कि भाई देखो यार तो हाँ हीट करता है ना, जितना हीट करेगा उतना लैग करेगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप फ़ोन ज़्यादा हीट ना होने दो। और कुछ लोग ये करते हैं कि भाई चार्ज में रख के गेम खेलते हो, ऐसा तो भाई मत ही करो, पूरा आपका बैटरी बिगड़ जाएगा भाई, और फ़ोन ज़्यादा हीट करता फट भी सकता है भाई। भरोसा मत रखो कि नया सिस्टम आया तो नहीं फटेगा भाई, भरोसा ज़िंदगी का नहीं है फ़ोन का सिस्टम पे रखते हो। और देखो भाई दूसरी बात की, देखो आपको फ़ोन जो हीट से बचाना तो कैसे बचा सकते हो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना है कि अगर आपको 100% चार्जिंग हो गया
फिर आप क्या करते हो कि सीधा गेम स्टार्ट करते हो, तो ऐसा मत करो, पहले अपने फ़ोन को थोड़ा ठंडा होने दो, क्योंकि चार्ज होने के बाद थोड़ा फ़ोन हीट होता है, फिर आप डायरेक्ट गेम चालू करते हो तो ज़्यादा हीट होता है, फिर आपको स्टार्टिंग में ही लैग करने को मिलता है। तो आपको ऐसा करना है कि थोड़ा फ़ोन ठंडा हो जाए ना, फिर आपको गेम खेलना है। अब देखो भाई, और हो सके तो 60 FPS पे ही खेलो, तो आपको हीट ना मिले। अब आपकी मर्जी भाई, आपको 90 देखो, ये जो आपके सामने गेम प्ले 60 FPS का ही है, जब मेरे को होगा कि भाई गेम प्ले बना तब मैं 90 FPS कर लूँगा वापस से। और आप कंटिन्यूसली गेम खेलते हो तो भाई आपको एक बात का क्या करना है कि चलो एक दो गेम खेला ना, फिर आपको गेम अपने आप रिस्टार्ट करके आ जाना है, क्योंकि देखो आप कंटिन्यूसली गेम को तो फ़ोन पे लोड पड़ता ही पड़ता है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। और हर एक और बात रहेगा मेरे भाई, आपको दिखाता हूँ, तो ये रही अपनी बात। देखो आप जैसे गेम स्टार्ट करो ना, अपने में साइड वाले साइड से जो गेम टर्बो आता है उससे आपको क्या करना है, फ्री स्टोरेज और वो सब क्लियर कर लेना दोनों के दोनों, जिससे आपको थोड़ा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और बात करें इसके परफॉर्मेंस मोड की, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई परफॉर्मेंस मोड पे खेलना चाहिए कि नहीं, तो गाइस मैं तो नहीं खेलता परफॉर्मेंस मोड पे, कभी भी नहीं खेला हूँ, एक दो बार बस वीडियो बना लेके खेलाऊंगा, बाकी परफॉर्मेंस मोड मत यूज़ करो, उससे आपकी बैटरी पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस मोड पे मत ही खेला करो। देखो भाई मेरा नाम था बता, अब आपकी हाथ में कि आपको भाई उसको खेलना है कि नहीं खेलना। देखो भाई मैं तो आपको बोल दिया, और एक बहुत बार एडवाइस देना चाहूँगा आपको कि जो गेम टर्बो आता है उसमें कभी भी उंगली मत करना जाके, कुछ भी उंगली मत कर देना गेम टर्बो में, क्योंकि भाई देखो आप गेम टर्बो में उंगली करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पूरे ग्राफिक कभी ब्लर हो गई, वो हो गया वो हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो भाई जो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई देखो अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, यार आप लोग तो वीडियो देख के चले जाओ कि हाँ चलो अपना काम निकल गया अभी निकल जाते हैं, ऐसा करते भाई। तो भाई सब्सक्राइब करके जाओ भाई, और सब्सक्राइब करके जाओ तो भाई वीडियो भाई फिर देखना भाई, अपन भी गेम प्ले डालेंगे। देखो भाई इसमें कॉन्करर वाला इस सीज़न भी किया था, अगले नेक्स्ट सीजन में भी कॉन्करर करेंगे, तो आपको भी भाई बहुत सारा अमेजिंग गेम प्ले देखने को मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई। और गाइस आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो ना भाई, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे भी एक से एक वीडियो बना सकता हूँ इसके, देखो इस मोड में भाई बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे भाई को मालूम है, और बहुत किल निकल रहा है इस मोड में, तो आपको भी बता सकता हूँ। आप क्या करते हो वीडियो देखते हैं नहीं तो भाई इसमें बनाता नहीं, क्योंकि आपको तो उस वीडियो में सपोर्ट ही नहीं करते हो आप लोग। और भाई चलो ठीक है वो सब, भाई नेक्स्ट वीडियो सेंसिटिव चाहिए कि नहीं बता देना, बहुत सब कॉमेंट करें सेंसिटिव, तो भाई बोलो नेक्स्ट वीडियो सेंसिटिव बना दिया जाए। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।